हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक जैन धर्म, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे महावीर स्वामी के बारे में और जैन धर्म का जो विभाजन हुआ अलग अलग संप्रदायों में, जिनमें श्वेतांबर है, दिगंबर है, वो क्या होते हैं, और साथ ही साथ जैन संगीत का आयोजन किया गया तो कब कहाँ पर जैन संगीत का आयोजन किया गया, और क्या होते हैं पैगोडा, वसदे और संलेखना भी, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और हम इसी क्रम में पढ़ते हुए आ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री को, और जो रेड वाला पार्ट है वो जो टॉपिक है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, और वहाँ से आप इन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म तक ऑलरेडी हम लोग जो सभी टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक यानी महावीर स्वामी के अनमोल विचारों से, क्योंकि इन्हीं के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो इनका कहना है, किसी के अस्तित्व मिटाने की अपेक्षा उसे शांति से जीने दो और खुद भी शांति से जियो, तभी आपका कल्याण संभव है। और इसके अलावा अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है जो सबके कल्याण की कामना करता है। तो ये अहिंसा को मानने वाले थे। इन्होंने जो अपने पंच महाव्रत दिए जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उनमें भी एक अहिंसा एक था, और ये अहिंसा को काफ़ी मानने वाले थे। ये कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं रहे, और इसीलिए आपके जो महावीर स्वामी जी के विचार हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और सबसे पहले इसमें जानते हैं जैन धर्म के बारे में रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो जैन धर्म है, यानी जो जैन शब्द है, ये जीन शब्द से लिया गया है। यानी जो जैन धर्म का जैन शब्द है ये लिया गया है जीन शब्द का, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, यानी जिसने स्वयं पर विजय पाली, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली, उसे ही हम जैन या जीन कहा जाता है। और इसी से ये वर्ड बना है जैन, और जिस नाम पर ये जो धर्म का नाम है वो रखा गया है। और अब अगर हम बात करें इस जैन धर्म के संस्थापक की, तो इसके संस्थापक रहे हैं ऋषभदेव, जो आप सामने इमेज भी देख सकते हैं ऋषभदेव, या इन्हें ही आदिनाथ कहा जाता है। तो यही इस जैन धर्म के संस्थापक हैं, और यही प्रथम, क्योंकि जैन धर्म में आपको तीर्थंकर देखने को मिलेगी, 24 तीर्थंकर जैन धर्म के अंतर्गत हैं। तो प्रथम गुरु, या जिसे जैन धर्म में गुरु को ही तीर्थंकर कहा जाता है, तो ये प्रथम तीर्थंकर थे, और साथ ही साथ संस्थापक भी जैन धर्म के थे ऋषभदेव, या जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है। तो देखिए, ये जो जैन धर्म है, ये इसकी जो शुरुआत हुई थी, यानी जैन धर्म का जो उदय हुआ था, वो हुआ था 900 BC के आसपास। देखिए एग्जैक्ट जो टाइमिंग है वो यहाँ पर क्लियर नहीं, क्योंकि एंशिएंट वाले जो भी आप टाइम पीरियड देखेंगे उनमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, अलग अलग जगह आपको अलग अलग टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। तो लगभग 900 BC और AD के बारे में भी एक हमने अलग से वीडियो किया है, तो अगर आपको टाइम पीरियड में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो 900 BC यानी 900 BC के आसपास ही इस जैन धर्म का उदय हुआ। लेकिन ये जो जैन धर्म है ये बहुत ही तेज़ी से फैला महावीर स्वामी के टाइम पीरियड में, ये ज़्यादा प्रकाश में आया और इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो गया हुआ। और अगर हम बात करें शुरुआत तो हो गई थी 900 BC के आसपास। और इस जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, और वास्तविक संस्थापक जो इस धर्म का माना गया है वो माना गया है महावीर स्वामी को, क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड में जैन धर्म बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर फैला। तो वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी। तो यहाँ पर आपको प्रथम तीर्थंकर याद रखने, जो संस्थापक हैं उनका नाम याद रखना है, और साथ ही साथ वास्तविक संस्थापक और 24th नंबर के ये तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। और इनसे पहले 23rd नंबर के जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। और आगे हम एक लिस्ट भी देख लेते हैं, तो ये लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, हो सकता है आपको थोड़ी सी क्लियर ना दिख रही हो। तो इसमें आपको ये सभी 24 तीर्थंकर यहाँ पर लिखे हुए हैं, बट सभी को याद करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सभी को आप याद नहीं रख सकते 24 नेम्स है इसमें। बस आपको पहला नाम यानी ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है, उनका नाम, और 19th नंबर के मल्लिनाथ जी। तो ये एकमात्र ऐसे तीर्थंकर हैं जो महिला हैं। वैसे तो जो विभाजन हुआ जैन धर्म का दो संप्रदायों में, तो कुछ संप्रदाय इनको महिला मानते हैं, कुछ संप्रदाय इनको पुरुष मानते हैं, बट ऐसा कहा जाता है कि 24 तीर्थंकर में एकमात्र ऐसे तीर्थंकर
मल्लिनाथ हुए, जो कि महिला यानी महिला तीर्थंकर जैन धर्म में कौन है, मल्लिनाथ जी। तो ये आपको याद रखना है। और फिर 24 नंबर के जो तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीर, उनका नाम याद रखना है। और साथ ही साथ उनसे पहले 23 नंबर के पार्श्वनाथ, इनका नाम याद रखना है। और ये जो लिस्ट है वो ये लिस्ट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। 24 नाम यहाँ पर इनके लिखे हुए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, इनके जीवन से रिलेटेड कुछ बातें हम यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए, जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ 540 BC में। और देखिए, जो जैन धर्म का उदय हुआ था वो हुआ था 900 BC के आसपास। तो देखिए, 900 BC के आसपास ये जैन धर्म का उदय हुआ और फिर जैन धर्म चलता रहा। लेकिन जो जैन धर्म फेमस हुआ वो इन्हीं के टाइम पीरियड में फेमस हुआ, महावीर स्वामी के टाइम पीरियड में ही ये जो जैन धर्म है वो तेज़ी से यहाँ पर फैला। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। देखिए, यहाँ पर कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध का वो था सिद्धार्थ, लेकिन जो महावीर स्वामी हैं इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनकी माता का नाम त्रिशला। और अगर बात करें हम इनके बचपन की नाम, तो इनका बचपन का नाम था वर्धमान, और इसीलिए इनको वर्धमान महावीर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा। और फिर यहाँ पर एक बार आपको याद रखना है, महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा, और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी इनकी बेटी थी। और इनके जो शिष्य बने, सबसे पहले जो इनके शिष्य बने वे थे जमाली, जो कि इनके दामाद थे। तो इनके दामाद ही इनके सबसे पहले शिष्य बने महावीर स्वामी के। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह इनका प्रतीक चिन्ह। तो ये कुछ जीवन से रिलेटेड बातें हैं, महावीर स्वामी के जीवन से रिलेटेड कुछ बातें हैं। अब हम आगे बात करते हैं इनके ज्ञान प्राप्ति से संबंधित। तो क्या होता है कि 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग कर देते हैं और जंगल की ओर चले जाते हैं, और ये सन्यासी बन जाते हैं 30 वर्ष की आयु में। और फिर वहाँ पर वो जंगल में भटकते रहते हैं। फिर 12 साल के तप के बाद 42 वर्ष की आयु में, यानी ये पहले वर्धमान थे, यानी जब इन्होंने गृह त्याग किया उस समय ये वर्धमान ही थे, जब इन्हें 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी 12 साल के बाद 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होना क्या कहा जाता है, यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में इसे कैवल्य के नाम से जाना जाता है, यानी इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। जैसे वहाँ पर हमने निर्वाण पढ़ा था बौद्ध धर्म में, उसी प्रकार से यहाँ पर 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई। और तब ये महावीर कहलाए। पहले इनका नाम वर्धमान ही था, जब इन्होंने गृह त्याग किया उस समय ये वर्धमान ही थे, और जब इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई तब ये महावीर स्वामी कहलाए। और कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जुम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर, तो जुम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर 42 वर्ष की आयु में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और ये जो रिजुपालिका रिवर है ये इस समय यानी वर्तमान में इसे ही बराकर नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस समय अगर आप ढूंढेंगे तो रिजुपालिका नदी आपको नहीं मिलेगी। उसी नदी, यानी नदी तो तब भी थी, वही नदी आज भी है, बट उसका जो नाम है वो बराकर नदी के नाम से अभी से जाना जाता है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। और इसके बाद इसी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की,
तो इनकी मृत्यु हुई 468 BC में, और वो भी 72 साल की आयु में। और जो गौतम बुद्ध थे उनको 80 वर्ष की आयु में, यानी 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। और महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी। और कहाँ पर, स्थान भी आपको याद रखना है, पावापुरी। तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई 72 वर्ष की आयु में। तो ये याद रखना, इनके जीवन से रिलेटेड कुछ बातें थी, महावीर स्वामी के जीवन से रिलेटेड। कब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इनमें आपको बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, ये दो अलग अलग पर्सन हैं। इनके जो जीवन काल के जो फैक्ट हैं उनको आपस में आपको मर्ज नहीं करना है, क्योंकि अभी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि सेम यहाँ भी उसी टाइप के दिए हुए, वहाँ भी ग्राम था, वहाँ भी बोधि ब्रज था, यहाँ साल ब्रज है, वहाँ पर कोई और नदी थी, यहाँ पर ऋषपालिका नदी है। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें मर्ज हो जाती हैं, तो इनको आपको अलग अलग ही रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो यानी जो सिद्धांत हैं जैन धर्म के, उनके बारे में देखते हैं। और इनमें है त्रिरत्न। तो यहाँ देखिए, हमने बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न पढ़ा था, तो दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, कौन से जैन धर्म के त्रिरत्न हैं और कौन से बौद्ध धर्म के, दोनों को आपको अलग अलग याद रखना है। वहाँ था बुद्ध, संघ, इस प्रकार के जो त्रिरत्न थे वहाँ पर थे। और बात करें अगर हम त्रिरत्न की यहाँ पर, तो यहाँ पर त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ये त्रिरत्न बताए गए हैं जैन धर्म के अंतर्गत, तो ये आपको याद रखना है। उसके साथ ही साथ इनके जैन धर्म के सिद्धांतों में स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये भी देखने को मिलता है जैन धर्म के जो सिद्धांत रहे हैं उनमें। और अब हम देखते हैं पंच महाव्रत के बारे में, जो कि जैन धर्म के प्रमुख महाव्रत हैं। वैसे जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 व्रत बताए थे, बट महावीर स्वामी ने उसमें 5वां जो एक व्रत था यानी ब्रह्मचर्य उसमें शामिल किया था। बाकी जो 4 थे वो पहले से ही चले आ रहे थे, जो पहले 4 व्रत हुआ करते थे, फिर महावीर स्वामी ने उसमें 5वां व्रत ऐड किया, और तब ये पंच महाव्रत कहलाए। तो जैन धर्म में श्रावक और मुनि दोनों के लिए 5 व्रत बताए गए हैं। तीर्थंकर आदि महापुरुष जिनका पालन करते हैं वह महाव्रत कहलाते हैं। तो इनमें सबसे पहला कौन है? सबसे पहला है इसमें अहिंसा, पहला है इसमें अहिंसा। और पहले भी हमने पढ़ा, जब हमने महावीर स्वामी के विचारों को पढ़ा, तो वो अहिंसा के ही पक्ष में हमेशा रहे हैं, इसीलिए ये अहिंसा एक व्रत में उनके शामिल है। किसी भी जीव को मन, वचन, काय से पीड़ा नहीं पहुंचाना, किसी जीव के प्राणों का घात नहीं करना, ही अहिंसा के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा है यहाँ पर सत्य। सत्य का मतलब है हित, मित, प्रिय वचन बोलना ही सत्य कहलाता है। और फिर आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और फिर आता है ब्रह्मचर्य, यानी मन, वचन, काय से मैथुन कर्म का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। और फिर 5वां आता है इसमें अपरिग्रह, यानी पदार्थों के प्रति ममत्व रूप परिणमन का बुद्धिपूर्वक त्याग, यानी जितनी हमको आवश्यकता है केवल हमको उतना ही संचय करना चाहिए, आवश्यकता से ज़्यादा संचय नहीं करना चाहिए, इसे ही अपरिग्रह कहा गया है। तो ये पंच महाव्रत बताए गए हैं जिनका व्यक्ति को पालन करना चाहिए, जो जैन धर्म से रिलेटेड व्यक्ति को या सभी व्यक्तियों को इन 5 महाव्रतों का पालन करना चाहिए। तो ये सिद्धांतों में आता है जैन धर्म के। अब हम देख लेते हैं जैन संगीत के बारे में। तो देखिए, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीत हुई, वहाँ पर 5 बौद्ध संगीत के बारे में हमने पढ़ा था। और यहाँ पर यानी जैन धर्म में 2 जैन संगीत का आयोजन किया गया। संगीत का मतलब होता है महोत्सव, उस धर्म को बढ़ाने के लिए, जिसे जैन बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए अलग अलग शासकों ने संगीत का आयोजन किया, उसी प्रकार से जैन संगीत का आयोजन भी किया गया जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो इसमें आती है प्रथम जैन संगीत। तो प्रथम जैन संगीत ये कब आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई 300 BC में। और कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये की गई पाटलिपुत्र में। और इस समय जो शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद ही जैन धर्म अपनाया था, ये जैन धर्म के ही अनुयायी थे।
और इन्होंने जो जैन धर्म में एक संलेखना विधि होती है जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, उसी विधि से इन्होंने प्राण त्यागे थे श्रवण बेलगोला में, वहाँ से इन्होंने इस जैन धर्म का काफ़ी सारा प्रचार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य इंपॉर्टेंट पर्सन है जैन धर्म से रिलेटेड, और इसी प्रथम जैन संगीत में ही जैन धर्म का विभाजन हो गया था। तो देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो चीज़ें हैं वो लगभग सेम ही चलती हैं, जो चीज़ें वहाँ हुई वही चीज़ें यहाँ हुई, इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रथम जैन संगीत में ही जैन धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया, जिस प्रकार वहाँ पर महायान हीनयान संप्रदाय हुआ करते थे, उसी प्रकार से जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर, जिनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उन दो संप्रदायों में इस जैन धर्म का विभाजन हो गया। फिर बात करें अगर हम दूसरी जैन संगीति की, तो दूसरी जैन संगीति का आयोजन किया गया 512 AD में। एक बार फिर आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, इन जो सन जो ईयर दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर है 300 BC और यहाँ पर है 512 AD, तो BC AD क्या डिफरेंस है, अलग से वीडियो हमने वहाँ पर बना दिया, तो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे कन्फ्यूजन आपका पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। तो याद रखना है 300 BC में प्रथम जैन संगीत और 512 AD में द्वितीय जैन संगीत का आयोजन किया गया, और ये किया गया वल्लभी गुजरात में, गुजरात के वल्लभी में द्वितीय जैन संगीत का आयोजन किया गया, और इस समय शासक थे भानुगुप्त। तो भानुगुप्त शासक हुआ करते थे द्वितीय जैन संगीति के समय। तो ये दो ही जैन संगीति हुई हैं जैन धर्म से रिलेटेड, तो इनको आपको याद रखना है। और अब हम देख लेते हैं जो विभाजन हुआ जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में, तो क्या इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, श्वेतांबर जो संप्रदाय था उसके जो प्रवर्तक थे वो थे स्थूलभद्र, और दिगंबर जो संप्रदाय था इसके जो प्रवर्तक थे वो थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के और स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और ये जो श्वेतांबर थे, तो नाम से ही क्लियर है, ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं श्वेतांबर संप्रदाय के लोग, और दिगंबर संप्रदाय के लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, क्योंकि ये दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, दिगंबर यानी जो दिशाओं को मानता हो अंबर, तो यानी ये दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, इसीलिए ये नग्न अवस्था में रहते हैं दिगंबर संप्रदाय के लोग। अब क्या विशेषता है, तो ये महावीर की शिक्षाओं को मानते हैं, जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं ये महावीर की शिक्षाओं को मानते हैं, और जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं ये भद्रबाहु की शिक्षाओं को मानते हैं, यानी ये महावीर स्वामी की शिक्षाओं को नहीं मानते, ये भद्रबाहु की शिक्षाओं को मानते हैं। और फिर इसमें अगला पॉइंट आता है, ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ये वस्त्र नहीं धारण करते, ये तो पॉइंट हमने आपको ऊपर ही बता दिया। फिर आता है ये महावीर को विवाहित मानते हैं, ये महावीर को विवाहित मानते हैं और ये अविवाहित मानते हैं, यानी जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं ये महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं, और जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है मल्लिनाथ, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि एकमात्र ऐसे तीर्थंकर, यानी एकमात्र ऐसी तीर्थंकर हम कह सकते हैं जो कि महिला थी, तो इन्हें जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं वो मानते हैं कि मल्लिनाथ सती थे, और जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं ये मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं ना कि महिला। तो ये अलग अलग विचारों में थोड़ा सा टकराव देखने को मिला है श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय के लोगों के बीच। तो ये अलग अलग दो संप्रदायों में जैन धर्म का विभाजन हुआ। अब हम आगे देख लेते हैं कुछ शब्दावली, जिस प्रकार से वहाँ पर हमने देखी थी बौद्ध धर्म में रिलेटेड, उसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग कुछ वर्ड्स हैं जैन धर्म से रिलेटेड जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर पैगोडा। पैगोडा क्या होता है, ये होता है जैन धर्म का पूजा स्थल, जैन धर्म का पूजा स्थल होता है पैगोडा। जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था
चैत्य, बिहार, इनके बारे में पढ़ा था। उसी प्रकार से यहाँ पर पैगोडा वसदे है। तो पैगोडा क्या होता है? जैन धर्म का पूजा स्थल। ये आप देख सकते हैं, ये जो मंदिर टाइप यहाँ पर बना हुआ है, ये जैन धर्म का पूजा स्थल है और इसे ही पैगोडा नाम से जाना जाता है। फिर आता है वसदे। वसदे क्या होता है? ये होता है जैन धर्म के जो भिक्षु होते हैं, यानी जैन धर्म के भिक्षुओं का निवास स्थान। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का निवास स्थान विहार हुआ करता था, उसी प्रकार से जब जैन धर्म के भिक्षुओं का जो निवास स्थान है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वसदे। और फिर एक विधि आती है, संलेखना विधि, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, यानी इसमें ये एक विधि है जिसके द्वारा प्राणों को त्यागा जाता है, यानी भोजन पानी का त्याग कर देना, भोजन पानी त्यागना और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। तो इसे कहा जाता है संलेखना विधि से मृत्यु होना, इस प्रक्रिया द्वारा मृत्यु होना, यानी इसमें जो पर्सन होता है वो भोजन पानी त्याग देता है और फिर भोजन पानी की कमी होने से शरीर में उसके जो प्राण हैं वो निकल जाते हैं, यानी वो प्राण त्याग देता है, संलेखना विधि। वैसे सुनने में ये जो विधि है वो थोड़ी सी ख़राब लगती है कि ये कैसा नियम है कि भोजन पानी त्याग कर मृत्यु को प्राप्त करना, थोड़ी सी अटपटी ये विधि लगती है, बट ये जैन धर्म से रिलेटेड है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये एक विधि होती है जैन धर्म के मानने वालों के लिए, और कुछ यही कारण रहा इस ये विधि या अन्य भी कुछ और कारण रहे जिससे जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार है वो बुद्ध यानी बौद्ध धर्म की अपेक्षा थोड़ा सा कम इसका प्रचार हो पाया, प्रचार प्रसार हो पाया, यानी कुछ कम ही जगहों पर आपको जो जैन धर्म है वो देखने को मिलेगा, बट बौद्ध धर्म एक बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में फैला और आज भी वो चल रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये हमारा ऑल ओवर लेक्चर था जो पूरी तरीके से कम्प्लीट होता है, और जैन धर्म हमने अच्छी तरीके से पूरा कम्प्लीट किया। तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कुछ कई सारी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिलेंगी, और आप टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पर इम्पोर्टेंट नॉलेज सर्च करेंगे तो इस प्रकार का आपको लोगो दिखाई पड़ेगा, वहाँ से आप चैनल को खोलकर वहाँ पर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैन धर्म तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही साथ हमारे करंट के टॉपिक्स भी हम अपने चैनल पर कवर कर रहे हैं, जिनमें जो इम्पोर्टेंट डेज थीम है और साथ ही साथ जो 2021 के टेनिस टूर्नामेंट हैं, जो बुक्स हैं, अवार्ड्स हैं, उन सभी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।